नमस्कार, पब्लिकेशन न्यूज में आपका स्वागत है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन ने किसानों की साल भर की फसल पर उचित समय पर पानी व खाद नहीं लगने से फसलों को भारी नुकसान हुआ है, वहीं आसमान से बरसती कुदरत की मार ने किसानों की रही बची फसलों को बर्बाद कर दिया है। तेज आंधी और भारी बरसात के चलते बाग बाहर किसानों की बदहाली उस समय देखने को मिली जब बागों में तैयार आम, लीची, नाशपाती की फसलें तैयार होने से ही पहले उजड़ गई। वहीं बारिश के चलते सब्जी किसान को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, बाग बाहर किसान तेज आंधी से टूटकर गिर गई आम की फसल को बाजीर दामों पर बेचकर 5 रुपए किलो की दर से बेच रहा है। वहीं मौसम के चलते लीची की फसल 100 रुपए किलो बिकती थी, आज उस लीची के फल को किसान 30 से 35 रुपए किलो बेचने को मजबूर है। किसानों का कहना है कि इस बार बाग की फसलों को कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन का भी असर बाजारों में देखने को मिल रहा है। किसानों की विभिन्न समस्याओं को देखते हुए भारतीय किसान यूनियन ने सरकार से किसानों के लिए देवीय आपदा राहत कोष से मुआवजे की मांग की है। दिलसाद जी, आप क्या काम करते हैं? ये बाग लेते हैं जी हम। अच्छा, इस बार जो देवी आपदा आई आंधी तूफान बारिश से किस तरह का नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान है जी, चार अंधी आली, बहुत नुकसान है। आम गिरे 4-5 रुपए किलो बिका मंडी में। तो किन किन फसलों को नुकसान हुआ है? लीची सबको नुकसान है, सारी फसलों को। तो पिछले साल की अपेक्षा इस साल ज्यादा आवक कितनी होगी? आवक यहाँ आप तो अब तो 5-4 रुपए किलो बिक रहा, पहले तो पड़ गए तो तेजी थी जी। तो इस तरह अगर देवी आपदा आती रही तो किस तरह, मतलब अगर इस तरह रहा जी तो बाग वाले जड़ जाओगे सब, सबको नुकसान है, बहुत तगड़ा नुकसान है सारे बाग वालों को। आपका नाम? दिलसाद जी। दिलसाद जी, आप क्या काम करते हैं? ये बाग लेते हैं जी हम तो। अच्छा, इस बार जो देवी आपदा आई आंधी तूफान बारिश से किस तरह का नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान है जी, चार अंधी आली, बहुत नुकसान है। आम गिरे 4-5 रुपए किलो का बिका मंडी में। तो किन किन फसलों को नुकसान हुआ? लीची सबको नुकसान है, सारी फसलों को। तो पिछले साल की उपेक्षा इस साल ज्यादा आवक कितनी होगी? आवक यहाँ आप तो अब तो 5-4 रुपए के लिए बिक रहा, पहले तो पड़ गए तो तेजी थी जी। तो इस तरह अगर देवी आपदा आती रही तो किस तरह, मतलब अगर इस तरह रहा जी तो बाग वाले जड़ जाओगे सबको नुकसान है, बहुत तगड़ा नुकसान है सारे बाग वालों को। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सानी। मोहम्मद सानी जी, बताइए इस बार जो आंधी तूफान आई है उससे फलों को कितना नुकसान हुआ है? सारे फल बेकार हो गई, अद्धे देख रहे हैं आप कितने फटे तमाम नीचे अंदर, डाले टूट गए, लीची फट गई, सारी लीची के डाले टूट गए, कोई कहना सुनने वाला नहीं। अब देख लिए आप सारे खड़ल पड़ल कैसे पड़ रहे, लीची तमाम फटी पड़ी, डाले टूटे पड़े आम के, तमाम आम ही आम झड़ गया तमाम। तो पहले लॉकडाउन और अब इस आंधी तूफान से किस तरह का, मतलब जहाँ पर कैट टूटा है जो बाग बाहर का काम करते हैं? ये आमों का ही नुकसान है सबसे ज़्यादा, तो आम जो 2 रुपये कमाने का काम था उसी में नुकसान है सबसे ज़्यादा, और लीची हैं वे भी फट गई सारी बेकार हो गई। तो बाजार में किस रेट जा रहा है अभी? बाजार में रेट ही लॉकडाउन की रेट ही नहीं है, बाजार में लेने वाला ही नहीं कोई। जो 100 रुपए किलो लीची बिकती थी हमारी, वो 30-35 रुपए किलो लीची बिक रही, बताओ क्या करें जावे, तुड़ाई के पैसे नहीं आ रहे। आपका नाम? विजय। विजय, क्या करते हैं आप? किसान है जी सर। अच्छा, बताइए जो पिछले 3-4 दिन से जो बारिश और तूफान आया है उससे किस तरह सब्जियों को नुकसान हुआ है? धूल मट्टी सारी सब्जी खराब हो गई, सब धूल में हो गई। कौन कौन सी ऐसी सब्जी है जिस पर प्रभाव पड़ा है इस बरसात का? गोभी पे है, जैसे तोरी है, खीरा है, सभी सब्जियों पर प्रभाव पड़ा सर। तो जैसे पिछले दिनों लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन छूट मिली है, तो किस तरह से आप देखते हैं कि जो पहले लॉकडाउन था और अब बिन मौसम की बरसात, कितना फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा है जी। तो कितना नुकसान है जो सब्जी किसान है? काफ़ी नुकसान है सर। बाजार में किस रेट जा रही है? मतलब बहुत मंदा हो रहा सब्जी का, 2-3 रुपए किलो बिक रही है। आपका नाम? मोहम्मद दिलशाह जी। मोहम्मद दिलशाह जी, बताइए जी, आंधी तूफान आई है उससे किस तरह का नुकसान हुआ है बाग बाहर? नुकसान तो बहुत है जी, डाले भी टूट गए, आम भी बहुत नुकसान हुआ है। तो किन किन फसलों को नुकसान हुआ है? फसलों को तो बहुत है जी, आम जैसे आम है और फल है, आम को नाशपत्ती भी है जी, लीची है जी, बहुत कुछ नुकसान है। तो पिछले साल की उपेक्षा इस साल कितना नुकसान है? ज़्यादा है जी, इबके ज़्यादा है, पिछले साल तो इबके ज़्यादा है जी। ओ, ओ।
बस जिस तरह से ये तूफान जो है बहुत तेज गति से आ रहा है, किस तरह का नुकसान किसानों को इस बार देखने को मिल रहा है? देखो, जब जब भी तूफान आए हैं उस टाइम पे अलग अलग फसलों को ये नुकसान करता है। जैसे ये इस टाइम पे जो तूफान आ रहा और जो बिजली कड़क रही है, चक्रवाती तरह का ये तूफान है, तो इससे जो फसलें हैं, जो आम की फसलें हैं, लीची की हैं, जो सब्जियां हैं जो अभी आ रही है, तो उसको नुकसान होगा। दूसरी फसलें तो अभी है नहीं और यहाँ पे क्षेत्र में, लेकिन उनको नुकसान बहुत होता है। और आम का जो किसान है वो तो पूर्ण रूप से बर्बादी के कगार पे है अब की बार, क्योंकि बाग बिके नहीं, वहाँ पे जो मजदूर काम करते थे वे नहीं गए, और जो भी और फसल आ रही थी किसान उसको अपने को बेचता, तो वो कच्ची फसल टूट जाती है और उसको उन्हें पौने दामों में कच्चे उसमें बेचना पड़ता है, तो ये एक बड़ा नुकसान है। लीची में भी नुकसान है, अगर ओला लीची के ऊपर लग जाएगा तो वो खराब हो जाएगी, वो फट जाएगी वहाँ से, और उसका भी पूरा नुकसान है। उसमें चमगादड़ भी उसमें लगते हैं तो उसका भी नुकसान उसमें होता है। अच्छा, लॉकडाउन के चलते भी काफ़ी किसानों को इस बार नुकसान हुआ है, क्या भारतीय किसान यूनियन कोई आवाज़ सरकार से सहयोग की मांग करती है? नहीं, हमने उठाते रहते हैं हम आवाज़, और खास करके जो फूल का किसान है उसका फूल नहीं बिका, जो सब्जी का किसान है, जो वेजिटेबल्स थी जितनी, उनका नुकसान उसको बहुत ज़्यादा हुआ, और एक एक और दो दो रुपये किलो में यहाँ पे लौकी जो दूसरी फसलें हैं वे बिकी हैं, और बहुत लोगों ने तो सड़कों पे वो फेंक क्या है। जैसे टमाटर है तो एक दो रुपये किलो, तीन रुपये किलो, तो जो तुड़ाई है उसकी वो बहुत महंगी पड़ गई। और यहाँ पर मुजफ्फरनगर की हम बात करें तो जो मिर्च के खेत थे वो मोरना साइड में, खेत भोकर हेड़ी में, इन जगह पे किसानों ने पूरी की पूरी फसल को जुताई करा है, यही पत्ता को भी जुताई किसानों ने करा है, सांबली और इन जगह क्षेत्रों में, तो इसमें बड़ा नुकसान किसान हुआ। मधुमक्खी पालन का नुकसान इसमें हुआ, जो दूध का किसान था उसको नुकसान हुआ, वो किसान भी नहीं है, वो तो मजदूर है जो गांव में दो पशु पाल कर अपना गुजारा करता था, तो इसमें बड़ा नुकसान इसमें है। गेहूँ की खरीद नहीं हुई, किसान हरियाणा अपना गेहूँ लेकर जाता था, तो ये सारी समस्याएं। गन्ने का भुगतान का मामला है, अभी फैक्ट्रियां चल रही है तो उसमें जिस तरह से की समस्याएं आ रही हैं, और अभी फैक्ट्री और 15 दिन तक फैक्ट्रियां कुछ फैक्ट्रियां चलेगी, तो ये सारा नुकसान है। लेबर कॉस्ट उसकी बढ़ गई, गन्ने का जो वेट था वो कम हो गया, भुगतान उसको हो नहीं रहा, तो सारी ही समस्या अब की बार किसान को है। क्या सरकार द्वारा कोई राहत दी जा रही है इस बार किसानों को? अभी नहीं दी जा रही, और लॉकडाउन में सरकार बहुत से बिल पास कर रही है, बिजली का भी पता चला कि प्राइवेट उसमें दे रही है, मंडी एक्ट में संशोधन कर दिया, नया भूमि अधिग्रहण कानून में जो संशोधन है वो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मुजफ्फरनगर में और पश्चिम में कई हाईवे निकल रहे हैं, तो उसमें भी रेट में बहुत गड़बड़ यहाँ पे है। ताजा और रोचक खबरों के लिए यू ही जुड़े रहे हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस।